तो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए कैसी है हिना की तैयारियां, इसी बारे में उनसे ज्यादा बातचीत की हमारी सहयोगी श्रद्धा बगड़वाल ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारत की स्टार शूटर हिना सिद्धू, जो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुकी हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे इनसे ओलंपिक को हिना की तैयारियों को लेकर। हिना, सबसे पहले तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, कितना हेल्पफुल रहा है अब तक आपके लिए पर्सनली, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है गोल्ड क्वेस्ट के साथ? गोल्ड क्वेस्ट के साथ मैं 2012 ओलंपिक्स के बाद से हूँ। 2013 में हम लोगों ने हमारा रिलेशनशिप शुरू किया, एंड उसके बाद से मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे को कुछ भी चाहिए, आई जस्ट हैव टू राइट एन ईमेल और कॉल देम अप, एंड द स्पीड एंड द एफिशिएंसी इज द वन दैट दे आर सो प्राउड ऑफ, एंड राइटली सो, बिकॉज कभी किसी चीज़ में उन्होंने देरी नहीं होने दी है। एथलीट को सिर्फ उनको रीज़न देना है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, एंड दैट्स इट। तो मेरे को आज तक उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, एंड हम आगे भी काम करते रहेंगे काफ़ी सालों तक। गोल्ड क्वेस्ट के साथ जरूर आप आगे भी काम करते रहेंगे, और आपके अभी पास जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, खासकर आपने ओलंपिक क्वालिफाई किया, एशियन क्वालिफायर्स जीत के, तो आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए हम जरूर आपसे मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एवरीबडी हैज बीन एक्सपेक्टिंग मी टू परफॉर्म लाइक दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। गोइंग टू द ओलंपिक्स मेरा यही है दैट व्हाटएवर मेरी परफॉर्मेंस अभी तक चलती आई है, आई जस्ट हैव टू कीप रिपीटिंग इट, सो दैट्स इट। अभी ओलंपिक से पहले ISSF वर्ल्ड कप भी है, उसके और टूर्नामेंट्स हैं, उनमें पार्टिसिपेशन आपका रहेगा? हाँ, ISSF वर्ल्ड कप्स हैं, तीन वर्ल्ड कप्स हैं, एक रियो में, एक म्यूनिक में, एंड द थर्ड वन आई एम थिंकिंग आई माइट स्किप, बट आई आफ्टर डूइंग द फर्स्ट टू आई थिंक के जाना चाहिए थर्ड के लिए या नहीं, एंड आफ्टर दैट द ओलंपिक्स। सो दीज आर द थ्री कॉम्पिटिशन्स, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स बिफोर द ओलंपिक्स, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। ना, जब से आपने क्वालिफाई किया उसके बाद से क्या कुछ बदलाव किया है ट्रेनिंग स्केड्यूल में, या फिर उसी तरीके का है, क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा आप कर रही हैं उसे लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था पहले से ही टॉप नॉच क्वालिटी का चल रहा था, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट का मेरे को वो दिखता नहीं है, पर अगर कुछ दिखेगा तो हम जरूर करेंगे। बट अभी के लिए, और सीइंग माय पास्ट परफॉर्मेंसेस, कि जब भी मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरी ये परफॉर्मेंस आती है, तो आई थिंक आई एम गोना स्टिक विद दिस व्हाटएवर आई हैव बीन डूइंग। ना, टॉप्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, आप ही नहीं बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको ये इशू रहा है, जो मनी सेंशन नहीं हो रहा है टाइम को लेके, उसके बारे में क्या आपको जो स्कीम है ये गवर्नमेंट की, हालांकि प्लेयर्स को फायदा पहुंचे इसी के लिए बनाई गई है, लेकिन प्लेयर्स को उससे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या फ्लॉज आप देखती हैं उसमें? देयर इज ओनली वन फ्लॉ, इतना कोई वो नहीं है, देयर इज ओनली वन फ्लॉ दैट टाइमली डिस्पेंस नहीं हो रहा है मनी, एफिशिएंसी उससे कम हो जाती है, क्योंकि एथलीट की ट्रेनिंग में और उसके मैचेस में फंड्स इमीडिएटली चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इमीडिएटली आती हैं, या और अगर वो तब फंड्स नहीं मिले तो ट्रेनिंग रुक जाती है या आपकी ब्रेक लग जाती है, तो वो आपका जो टाइम लॉस हुआ है इट विल शो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम, यू नो, एंड व्हेन यू गो टू द ओलंपिक्स ऑल दी स्मॉल थिंग्स मेक अ डिफरेंस। तो उस एंगल से देखते हुए ये स्कीम में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो अगले ओलंपिक्स के लिए आई होप गवर्नमेंट अपनी थोड़ा एफिशिएंसी और स्पीड को इंक्रीज करे। लेकिन अभी जो ये इशू आया मनी सेंशनिंग का, इसको लेके आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में किसी से बात की? नहीं, मेरी उनसे बात चलती रहती है, पैसे की या मनी सैंक्शन जो हुई है उसको लेने में कभी मेरे को तकलीफ नहीं हुई है, वो तो उन्होंने मेरे को जो सैंक्शन कर दिया है वो मेरे को देते ही हैं, सिर्फ टाइम पे नहीं आता है, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की भी अपनी प्रोसेस रहता है, अपना पेपर वर्क रहता है, तो उसमें टाइम जाता है, पर अगले ओलंपिक्स के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा जिससे ये जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो स्पोर्ट्स से उसको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। हिना, रौनक के बारे में जानना चाहूंगी आपसे, आपके हस्बैंड भी हैं, कोच भी हैं, तो आपको बहुत हेल्प उनसे भी मिलती होगी, कैसी आप दोनों की ट्रेनिंग है और कितना आपको रौनक मोटिवेट करते हैं, और कितना क्रूशियल रोल आपके सक्सेस में रौनक का है? रौनक इज क्रूशियल टू माई सक्सेस, बिकॉज हम 2011 से ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में, तो 2012 लास्ट ओलंपिक्स भी रौनक मेरे साथ में थे,
So we have been through a lot of ups and downs, lot of important matches, lot of wins, lot of losses. So he understands how I perform, he understands how I think, he understands ke kya karne se performance improve hogi. तो हम लोगों का भी अभी ये 5-6 साल का एसोसिएशन है कोच की तरह तो आगे भी चलता रहेगा और आगे हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे वी आर गोइंग ना अभी जैसे कि शूटिंग बहुत ही महंगा स्पोर्ट है और जो लोग इसको टेकअप करना चाहते हैं एज अ करियर काफी मुश्किलें होती हैं जैसे वेपन्स या एमिनिशन को लेके दिक्कतें होती हैं कभी आप तो फाइनेंशियली स्ट्रांग उससे रही हैं लेकिन अदर शूटर्स ये प्रॉब्लम्स कभी फेस करनी पड़ती हैं नहीं शूटिंग शूटिंग में ऐसा नहीं है दैट इट्स अ वेरी रिच मैन स्पोर्ट ऐसा भी नहीं है देर आर लॉट ऑफ पीपल जो हु कम फ्रॉम रियली हम्बल बैकग्राउंड्स और शूटिंग टेकअप करते हैं शूटिंग में बेसिकली जितना भी इन्वेस्टमेंट इट्स ऑन इट्स मोस्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लकीली यू नो वेपन्स कैन बी सोल्ड ऑफ यू नो यू इफ यू डोंट वॉन्ट टू शूट एनी मोर देन यू गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक यू नो सो बट अदरवाइज जहाँ पे खर्चे की बात आती है द थिंग इज द रेंजेस कॉस्ट अ लॉट एंड रेंजेस आर वेरी स्कार्स इन आर कंट्री गुड क्वालिटी रेंजेस तो वहाँ पे थोड़ी शूटिंग को दिक्कत आ रही है बट अदर देन दैट जो अभी तो क्लब्स इतने आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट क्लब्स स्टेट क्लब्स एंड दे हैव देयर ओन वेपन्स एंड एनी बडी हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट शूटिंग कैन गेट अ वेपन एंड स्टार्ट शूटिंग And organizations like OGQ have been helping so many athletes who are not financially independent to get them weapons, to get them coaches. I think you just need to be talented and you know, you need to stick to your dreams. So, aaj India mein shooting ko leke thoda it's easier to get into shooting. देश में खेलों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है किसी भी खेल को आप ले लीजिए चाहे ओलंपिक स्पोर्ट हो क्रिकेट के अलावा भी जितने स्पोर्ट्स हैं अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगर मैं शूटिंग को सिर्फ पर्टिकुलर शूटिंग की बात करूं तो काफी लेवल अपलिफ्ट हुआ है शूटिंग का और ऐसा गेम है जिसमें हम कोई भी आप लोग टूर्नामेंट्स में जाते हैं एशियन गेम कॉमनवेल्थ हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट जो मेडल्स है वो शूटिंग में करते हैं सबसे ज्यादा मेडल शूटर से आते भी हैं तो क्या लगता है क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है एसोसिएशन को कितना श्रेय देती है आप इसका आई थिंक इंडियंस आर ट्रेडिशनली गुड एट शूटिंग और हम लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं हम लोग को यू नो वी वर लकी टू हैव फॉरेन कोचेज कमिंग टू इंडिया वे बैक इन 1990s तो हम लोगों की मेहनत जो तब की इतने सालों की हुई है वो आज दिख रही है I think that's the only reason the federation is also giving their 100%. Rajavardhan ka medal tha, then Abhinav ka medal tha. To usse motivation bhi hoti hai, nayi generation aur aati hai. To in sab cheezon ka farak padta hai. Bilkul, ab aapke performance ko dekhte hue Rio mein aapse bhi medal ki puri umeed hai hame. Thank you. तो ये थी हिना सिद्धू जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है काफी अच्छा कर रही हैं और सिन्हा जो है रियो ओलंपिक्स में भी शूटिंग में भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी कैमरामैन अजय वर्मा के साथ श्रद्धा बगडवाल समाचार प्लस नई दिल्ली